हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गई। और आज मैं लेके आऊँ पिंक स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गई। और आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग और काफी यूनिक गई। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आपको पिंक स्टेशनरी कलेक्शन कैसा लगा। गई वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें किस तरह की पिंक स्टेशनरी आइटम मिलते और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलता है एक गैस्टर, ये देख सकते हो गैस्टर मिलता है। और ये दोस्तों गैस्टर नहीं है, गैस्टर लुक में है एक इरेजर, काफी सुंदर सा इरेजर है दोस्तों। चलो आपको इस गैस्टर वाले इरेजर से मिटा के दिखाता हूँ पेंसिल दोस्तों। तो सबसे पहले मैं डायरी लिया, तो डायरी पे दोस्तों मैंने वीवी के लिख रखा है, इसे मिटाते हैं, देखते हैं दोस्तों ये गैस्टर वाला इरेजर हमारे वीवी के फन को कैसे मिटाता। तो ये देखो दोस्तों कितने अच्छे से मिटा दिया दोस्तों हमारे वीवी के दोस्तों। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ हमें होल मिल जाता है और इस होल में दोस्तों हम अपनी पेंसिल को लगा लेंगे दोस्तों। ये पेंसिल कैप का भी काम करेगा ये गैस्टर दोस्तों। तो आपको टू इन वन सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पैन दोस्तों, ये देख सकते हो कितना मोटा पैन है। और दोस्तों ये पैन नहीं है दोस्तों, ये है एक हाइलाइटर दोस्तों, पिंक कलर का हाइलाइटर। चलो ढक्कन ओपन करते देखते हैं कैसी टिप है और कैसा चलता है ये हाइलाइटर। तो ढक्कन ओपन किया तो इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त टिप है और कितनी मोटी टिप है। चलो चलाते हैं इस हाइलाइटर को, देखते हैं दोस्तों ये हाइलाइटर कैसा चलता है। तो ये देखो दोस्तों कितने अच्छा चल रहा है दोस्तों हाइलाइटर, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हाइलाइटर है, काफी जबरदस्त हाइलाइटर है दोस्तों। आपको दोस्तों ये मोटे वाला पिंक हाइलाइटर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पेन दोस्तों, और ये पिंक कलर का पेन है दोस्तों। और इस पेन में दोस्तों हमें मिलते हैं 10 रिफिल, ये देख सकते हो दोस्तों 10 रिफिल मिल जाती है। काफी जबरदस्त पेन है और काफी मोटा भी पेन है। चलो एक टिप को नीचे करते हैं, देखते हैं दोस्तों ये कैसा चलता है और किस तरह का पेन है दोस्तों। तो पिंक बटन को नीचे कर देते हैं, टिप ओपन हो गई, चलो चला के देखते हैं ये पेन कैसा चलता है। तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना प्यारा चल रहा है दोस्तों। तो आपको 10 रिफिल वाला यूनिकॉर्न का पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिली, एक पिंक कलर की माला दोस्तों। और ये माला तो है एक यूनिकॉर्न की दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अच्छी माला मिल गई दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है बॉल, और बॉल के ऊपर दोस्तों हमें मिलते हैं दोस्तों अल्फाबेट देखने को। और ये बॉल वाला है पेंसिल शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। यहां देख सकते हो दोस्तों हमें एक होल मिलता है, इस होल में दोस्तों पेंसिल को डालेंगे कुछ इस तरह से, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, ये देख सकते हो, और कूड़ा इसी में जमा हो जाएगा। चलो अब दिखाता हूं दोस्तों आपको कूड़ा, साथ ही दोस्तों शार्पनर भी दिखाता हूं। तो ये देखो दोस्तों इसे ओपन किया तो इसके अंदर कूड़ा इस तरह जमा हो जाता है। शार्पनर की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, और ये देखो दोस्तों हमारी पेंसिल को कितने अच्छे से शार्प कर दिया इस बॉल वाले शार्पनर ने। तो आपको ये बॉल वाला शार्पनर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक और हाइलाइटर सेट दोस्तों, ये भी पिंक कलर का है दोस्तों। और इसके ढक्कन में दोस्तों हमें सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं, वो भी पिंक कलर के, ये देख सकते हो स्टार लुक में दोस्तों सीक्वेंस है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी टिप है। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप, ये तो टिप काफी जबरदस्त है, और इसकी टिप तो है दोस्तों स्टार लुक में, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त हाइलाइटर, स्टार लुक में दोस्तों टिप मिल जाती है, स्टार वाला हाइलाइटर है दोस्तों। तो आपको ये स्टार वाला हाइलाइटर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक पिंक कलर की वॉच दोस्तों, ये देख सकते हो काफी सुंदर वॉच है दोस्तों, और ये मर्मेड प्रिंसेस की वॉच है और काफी खूबसूरत वॉच है। चलो देखते हैं इसके अंदर कैसी वॉच मिलती है। तो इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें कोई सी वॉच नहीं मिली। तो वॉच कैसे ओपन होगी, तो यहाँ देख सकते हो बटन मिलता है, इस बटन को दबाएंगे दोस्तों तो वॉच ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त वॉच है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है जिराफ, ये देख सकते हो जिराफ मिलता है, और ये जिराफ है दोस्तों पिंक कलर का, देख सकते हो काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त दोस्तों। और ये जिराफ नहीं है, जिराफ लुक में है दोस्तों एक पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो इसके टांगों को खींचेंगे दोस्तों फिर पेन ओपन होगा, ये देखो दोस्तों पेन की टिप कितनी जबरदस्त कितनी अच्छी है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा भी पेन चल रहा है, जेल पेन है दोस्तों। आपको ये जिराफ वाला पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पीकॉक दोस्तों, ये देख सकते हो पीकॉक मिलता है, और दोस्तों ये पीकॉक वाला है पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो इसके आगे वाले ढक्कन को खोलेंगे दोस्तों फिर पेन ओपन हो जाएगा, और पेन की टिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, मोर वाला पेन मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों
हमें मिलता है एक बारहवीं का सेट, देख सकते हो काफी जबरदस्त सेट है। और ये देखो दोस्तों, ये सेट तो दोस्तों 360 रोटेट भी हो रहा है। और ये तो है दोस्तों पेन और पेंसिल होल्डर, दोस्तों काफी जबरदस्त था। इसमें दोस्तों हमें तीन सेक्शन मिल जाते हैं, एक सेक्शन में दोस्तों पेन को रख लेंगे, एक सेक्शन में दोस्तों पेंसिल को रख लेंगे, एक सेक्शन में दोस्तों हम अपनी डायरी रख लेंगे। दोस्तों नीचे दोस्तों एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपनी इरेजर कुछ भी छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। तो आपको ये बारहवीं का पेन स्टैंड कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक मछली, ये देख सकते हो पिंक कलर की मछली मिलती है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते क्या है इसके अंदर। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप काफी जबरदस्त है। और ये तो है दोस्तों एक हाइलाइटर, मछली वाला हाइलाइटर है। चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों कितना लाइट चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों, काफी लाइट हाइलाइटर मिल जाता है दोस्तों मछली वाला। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक यूनिकॉर्न की मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड को डाले बिना दोस्तों इसका ढक्कन ओपन नहीं होगा। तो पासवर्ड क्या है 246, तो 2 को ऊपर कर देंगे, 4 को भी ऊपर कर देंगे, 6 को भी ऊपर कर देंगे दोस्तों। यहां देख सकते हो दोस्तों ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ऑन करेंगे दोस्तों, ऑन करते ही ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन करते ही देख सकते हो यहाँ पे गाइस हमें एक ट्रे मिल जाती है, ट्रे पे दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है, स्पेस काफी जबरदस्त है। ट्रे को हटाते हैं, नीचे देखो दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें दो छोटे छोटे सेक्शन और मिल जाते हैं जिसमें दोस्तों एक में हम शार्पनर रख लेंगे और एक में दोस्तों इरेजर रख लेंगे। ये मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स है यूनिकॉर्न की दोस्तों, काफी सुंदर सी काफी प्यारी सी। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इसमें मिलता है दोस्तों हमें एक एस्ट्रोनॉट का मिनी बस दोस्तों। और इस मिनी बस के ऊपर हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें दोस्तों हम पेन पेंसिल को स्टैंड करके रख सकते हैं। और यहां देख सकते हो एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते हैं तो ये देखो दोस्तों बटन दबाते ही यहां लाइट जल जाती है। सेकंड सेक्शन पे बटन करते हैं, सेकंड सेक्शन पे बटन किया तो ये देखो दोस्तों एस्ट्रोनॉट के फेस पे लाइट जल जाती है, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है, रोशनी भी काफी जबरदस्त है। तो आपको ये लैंप वाली बस कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच दोस्तों। और इस पेंसिल पाउच के ऊपर दोस्तों हमें छोटा सा दोस्तों पाउच और मिल जाता है, ये देख सकते हो छोटा सा पाउच मिल जाता है। और इस पाउच को दोस्तों हम बड़े पाउच से अलग भी कर सकते हैं, जिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, जिप पे दोस्तों हमें दिल का डिजाइन मिल जाता है। इसे ओपन करते हैं तो देखते हैं कितना स्पेस है, तो इसे हटाए तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों हम अपना छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं और अपने ईयरफोन भी रख सकते हैं दोस्तों इस पाउच के अंदर। चलो अब बड़े पाउच को दिखाता हूँ कैसा है। तो ये देख सकते हो बड़े पाउच में दोस्तों हमें एक पॉकेट मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों, इसमें हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। मेन जिप को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, मेन जिप को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा दोस्तों। यूनिकॉर्न की पेंसिल पाउच थी दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक पिंक कलर की स्टेशनरी सेट दोस्तों। और इस स्टेशनरी सेट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 6 7 आइटम मिलेगी। चलो 1 by 1 देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीजें मिलती है, इनकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसमें मिलती है हमें बारहवीं के एक ज्योमेट्री बॉक्स, और ज्योमेट्री बॉक्स पूरी पिंक कलर की है दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन करा तो ये देखो दोस्तों इसमें दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें स्टेशनरी आइटम मिलती है, और एक मिलती है दोस्तों हमें इसके अंदर पिंक कलर का एक पेपर कट सीजर, ये देख सकते हो पेपर कट सीजर मिल जाता है, काफी अच्छा था दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें पिंक कलर की एक डायरी भी मिल जाती है, देख सकते हो काफी अच्छी डायरी है दोस्तों। और डायरी पे दोस्तों यानी पेजेस पे दोस्तों हमें बारहवीं की फोटो देखने को मिल जाती है। और इस डायरी को दोस्तों 180 रोटेट भी कर सकते हैं, काफी अच्छी डायरी मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें 2 HB पेंसिल मिल जाती है, दोनों पेंसिल दोस्तों पिंक कलर की, और दोनों पेंसिल के ऊपर बारहवीं की फोटो छपी है, गोल वुडन पेंसिल मिल जाती है। साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है इस पेंसिल का दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देख सकते हो हमें जंबो इरेजर मिल जाती है, और एक मिलता है हमें शार्पनर, शार्पनर भी दोस्तों पिंक कलर का मिलता है, और इरेजर भी दोस्तों पिंक कलर की मिलती है, और रूलर भी दोस्तों हमें पिंक कलर का मिलता है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त रूलर है, और 15 cm का रूलर मिल जाता है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, चलो देखते हैं। तो ये तो है दोस्तों ग्लू स्टिक, अरे वाह, और ग्लू स्टिक भी दोस्तों पिंक कलर की, चलो दिखाता हूँ ग्लू स्टिक। तो ये देखो दोस्तों ग्लू स्टिक मिल जाता है, काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में गाइस
हमें मिलती है एक हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स काफी जबरदस्त है और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को ऊपर करते हैं तो इस लॉक को ऊपर किया तो ये देखो दोस्तों, इसमें गाइस हमें मिल जाता है एक शार्पनर। ये देख सकते हो यहाँ हमें होल मिल जाता है, इस होल में पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और सारा कूड़ा गाइस इसके अंदर जमा हो जाएगा दोस्तों। इसके ढक्कन को खोलेंगे फिर कूड़ा फेंक देंगे दोस्तों। चलो बंद करते हैं, दूसरे सेक्शन को ओपन करते हैं। दूसरा सेक्शन दोस्तों हमें इधर मिलता है। दूसरे सेक्शन को ओपन किया तो एक खाली कंपार्टमेंट है, इसमें दोस्तों हम अपनी रेजर कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो मेन ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्पेस है। ऊपर वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, इसमें हमें क्या मिला, एक पियानो मिली दोस्तों। और वाह दोस्तों, काफी जोरदार, ये तो पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स है यार, काफी अमेजिंग। और ये पियानो तो 360 रोटेट भी हो रहा है, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ दोस्तों हम अपनी बैटरी को डालेंगे दोस्तों, फिर पियानो चालू हो जाएगा और हमें पियानो कौन से मोड पे चलाना है, और यहाँ बटन दिए हुए हैं। ये तो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है दोस्तों। वीडियो बनाने के बाद मैं आज इस पियानो से अपना टाइम पास करूंगा दोस्तों। चलो मेन ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो मेन ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें तीन सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। एक सेक्शन में दोस्तों हमें पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है, दो छोटे छोटे सेक्शन जिसमें दोस्तों हमारा छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो पीछे भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है। कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो आपको ये हेलो किटी की पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों, हमें मिलती है एक मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स यूनिकॉर्न की, ये देख सकते हो। और इस पे देख सकते हो सुपर 3D वॉलपेपर मिल जाता है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, कितना स्पेस है। तो इसका लॉक देख सकते हो कितना जबरदस्त है दोस्तों। तो लॉक ऊपर करा, ढक्कन ओपन हो गया। ढक्कन ओपन होते यहां देख सकते हो कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है। दो छोटे छोटे सेक्शन, एक में दोस्तों शार्पनर रख लेंगे, एक में इरेजर रख लेंगे, और बीच वाले सेक्शन में दोस्तों हम अपना कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख लेंगे दोस्तों। स्ट्रे को उठाते हैं, नीचे भी दोस्तों हमें एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है। कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। आपको ये मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें मिलती है प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर, काफी प्यारी है दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स के दोस्तों ऊपर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, साथ ही दोस्तों हमें दो दो शार्पनर भी मिल जाता है। एक छोटा शार्पनर मिलता है, एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है। छोटा शार्पनर होता है दोस्तों हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर होता है दोस्तों हमारी अच्छी पेंसिल को शार्प करने के लिए दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है। कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है। और ये देख सकते हो दोस्तों, इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें एक लैंप भी मिल जाता है, ये देख सकते हो। और लैंप की रोशनी काफी जबरदस्त है दोस्तों, लाइट भी चली जाएगी फिर भी दोस्तों हम काफी इजीली से स्टडी कर सकते हैं इस लैंप की सहायता से दोस्तों। लो इसे बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, पीछे भी दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिलता है, और पीछे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, और पीछे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों। आपको ये प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक पेंसिल पाउच, और इस पेंसिल पाउच के ऊपर देखो दोस्तों रोज का डिजाइन बना है दोस्तों कपड़े में, काफी जबरदस्त लग रहा है, काफी पिटी लग रहा है दोस्तों ये पेंसिल पाउच। और इसमें दोस्तों हमें एक कीचेन मिल जाता है मरमेड प्रिंसेस का दोस्तों। जिप ओपन करते देखते कितना स्पेस है। जिप ओपन करिए देखो दोस्तों, इसके अंदर का स्पेस काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है, काफी सुंदर दोस्तों पेंसिल पाउच है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों, हमें मिलते एक और मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर दोस्तों हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, और कैलकुलेटर का बटन का डिजाइन देख सकते हो कितना जबरदस्त है। और यहां देख सकते हो दो दो शार्पनर मिल जाता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन, एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक भी मिल जाता है देख सकते हो, जिसमें दोस्तों हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। यहाँ हमें एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। चलो बंद करते हैं, पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो पीछे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 3 सेक्शन मिलते हैं, दो छोटे छोटे सेक्शन मिलते हैं, एक काफी बड़ा सेक्शन मिलता है, और काफी अच्छा कंपार्टमेंट है दोस्तों, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक HB पेंसिल सेट दोस्तों, और ये पेंसिल सेट है पिंक कलर का दोस्तों, यानी इसके अंदर पिंक कलर की HB पेंसिल मिलेगी। तो ये देख सकते हो, है ना, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और क्या
मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों, हमें मिलते हैं एक प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर काफी प्यारी है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो पहले वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हैं कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, इसमें दोस्तों हम अपना छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो बंद करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं। सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो, सेकंड ढक्कन को ओपन करते ही एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में तीन सेक्शन, एक सेक्शन में पेंसिल लॉक मिल गया, दो छोटे छोटे सेक्शन है बट इनकी गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया, पीछे दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक मिर्ची, ये देख सकते हो मिर्ची मिलती है, वो भी पिंक कलर की मिर्ची मिलती है। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस मिर्ची में हमें क्या मिलता है। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इस मिर्ची में मिलता हमें एक हाइलाइटर, और इस हाइलाइटर को चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों कितना लाइट चल रहा है दोस्तों। ये हाइलाइटर दोस्तों मिर्ची वाला हाइलाइटर मिल जाता है दोस्तों इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच, ये भी काफी जबरदस्त है। और इस पेंसिल पाउच की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। जिप ओपन करते हैं, जिप ओपन करी और इसके अंदर दोस्तों हमें एक ही कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है पिंक कलर का BTS का एक पंखा, ये देख सकते हो पंखा मिलता है। और दोस्तों ये पंखा नहीं है, ये है पंखे वाला पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। आगे दोस्तों छोटा ढक्कन मिलता है, इसे ओपन किया तो इसके अंदर मिलता है हमें पैन, और पैन को चलाते तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा पैन चल रहा है दोस्तों। और इस पंखे को दोस्तों हम पैन से अलग भी हटा सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो पंखे को हटा लिया और देखो दोस्तों कितनी अच्छी हवा आ रही है, देख सकते हो आपको साउंड भी आ रहा होगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो BTS आर्मी का पंखा है दोस्तों। और कौन कौन है दोस्तों BTS आर्मी, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। BTS आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक प्रिंसेस यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे देखो दोस्तों हमें कितने सारे ग्लिटर लिक्विड भरे मिल जाते हैं। और ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स को खड़ा किया तो सारे ग्लिटर और लिक्विड नीचे आ रहे हैं, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों देखने में। यार ये तो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अमेजिंग है। और ये गोल ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो गोल ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक व्हाइट बोर्ड मिलता है और दो ढक्कन मिलते हैं। इन दोनों ढक्कन को खोलने के लिए दोस्तों हमें लॉक मिलता है, इन दोनों लॉक को पकड़ेंगे फिर दोस्तों ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोला तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें एक कैलकुलेटर मिल जाता है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमें एक मिरर भी मिल गया दोस्तों, काफी जबरदस्त है। सेकंड ढक्कन को ओपन करा, सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिल जाता है, कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये गोल वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है पिंक कलर के दोस्तों हेयर, और साथ ही दोस्तों ये तो है दोस्तों हेयर क्लिप, और वाह काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और इन हेयर क्लिप को दोस्तों मैं अपनी छोटी बहन को दिखाऊंगा, वो तो देख के खुश हो जाएगी दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों हेयर क्लिप मिल गई। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक शूज, ये देख सकते हो शूज मिलता है दोस्तों, ये शूज नहीं है, शूज लुक में है एक पिगी बैंक, वो कैसे चलो दिखाता हूँ। तो फटाफट निकालता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों ये पिगी बैंक। तो ये देख सकते हो शूज लुक में पिगी बैंक है दोस्तों पिंक कलर का, और जैसे दोस्तों हम अपने शूज के सूलेज ओपन करते हैं वैसे दोस्तों इस पिगी बैंक के भी सूलेज ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। ये देख सकते हो रियल के दोस्तों सूलेज मिल जाते हैं, और यहाँ से दोस्तों हम मनी को डालेंगे और यहाँ से दोस्तों हम अपने मनी को निकालेंगे, और यहाँ देख सकते हो इसमें एक ताला मिल जाता है, और इस ताले को दोस्तों इस जगह लगा देंगे फिर हमारी मनी कोई भी नहीं निकाल सकता, और इसमें दोस्तों हमारा काफी सारे पैसे भी जमा हो जाएंगे दोस्तों। आपको शूज वाला पिगी बैंक कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये मेटल का दोस्तों पिगी बैंक है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक गाइस 2-in-1 सेट, यूनिकॉर्न का 2-in-1 सेट है। आगे गाइस हमें मिलता है इरेजर, और पीछे दोस्तों हमें मिलता है एक ओपन का ढक्कन। तो इसे ओपन किया तो पीछे दोस्तों हमें मिलता है शार्पनर, इसीलिए दोस्तों इसे 2-in-1 सेट बोलते हैं। और पेंसिल को शार्प करने के बाद सारा कूड़ा दोस्तों अंदर जमा हो जाएगा, इसके पूरे पार्ट को खोलेंगे फिर कूड़ा फेंक देंगे। और इसके अंदर का शार्पनर भी देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। तो और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक पिंक स्टेशनरी आइटम मिली। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।